गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 9th चैप्टर प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 15.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। फोकस नाउ ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेड। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड हमको क्वेश्चन में गिवन है, उसने टोटल्स कितनी बॉल प्ले की 30, जिसमें से उसने जो बाउंड्री लगाई, बाउंड्री हिट्स कितनी है, दैट आर 6। सो आई कैन से बॉल्स ऑन विच शी डिड नॉट हिट बाउंड्री, उसने जितनी बॉल में बाउंड्री नहीं लगाई। कैसे निकालेंगे, टोटल बॉल्स माइनस बाउंड्री हिट 6 बॉल्स, वी गेट 24 बॉल्स। नाउ फोकस, हमको क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसने बाउंड्री नहीं लगाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाउंड्री, दैट मीन्स जितनी बॉल में बाउंड्री नहीं लगाई, दैट विल कम इन द न्यूमरेटर, टोटल बॉल्स विल कम इन द डिनोमिनेटर। व्हेन यू गेट 6 4 जा 6 5 जा, द आंसर इज 4/5। बताएं से बच्चे चैट बॉक्स में, इजी। हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी, क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर टू ऑल? ओके ना फोकस, क्वेश्चन नंबर टू। हमें क्या गिवन है, 1500 फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन, हमको गिवन है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 1500, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी गिवन हमको, 1500, जिसमें से ये गिवन है हमको जिस फैमिली में दो गर्ल्स हैं वो फैमिली है 475, जिसमें एक गर्ल है डेट इज 814, जिसमें जीरो गर्ल है डेट इज 211। हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली हैविंग टू गर्ल वन गर्ल नो गर्ल, हमें क्या करना है, तीनों का अलग अलग निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गर्ल्स, कितनी फैमिलीज है, 475 डिवाइडेड बाय टोटल फैमिलीज। इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गर्ल फैमिलीज 814 बाय 1500। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो गर्ल, कितनी फैमिली है, 211 बाय 1500। ठीक है, कटिंग आपको करनी है, कटिंग आप खुद कर लेना, सो डैट यू विल गेट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, गॉट इट ऑल? क्वेश्चन नंबर टू स्टूडेंट्स फोकस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसके अंदर हमको रेफर किया गया है, हमको चैप्टर 14 में जाना है, ऑन द पेज नंबर 247, ओपन द पेज नंबर 247, वहां पे हमको एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 5। ध्यान देंगे सभी बच्चे, आपको क्वेश्चन थर्ड करने के लिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 247 पे जाना है, जहां पे हमको गिवन है एक एग्जांपल नंबर 5। हमें उस एग्जांपल में गिवन है, पढ़ेंगे सभी, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ। हमको ये गिवन है कि बेसिकली देर आर टोटल 40 स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं 40 स्टूडेंट्स की, जिसमें से हमने उन बच्चों को पूछा गया है किसके बारे में, देयर बर्थ मंथ, कि उनका बर्थ कौन से मंथ में हुआ था। हमें एक बार ग्राफ गिवन है, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ध्यान दो, क्या पूछा जाता है हमसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बोर्न इन अगस्त। सभी ध्यान देंगे, फ्रॉम द बार ग्राफ, जो अगस्त का ग्राफ है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 6 स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चों ने बर्थ लिया अगस्त में वो कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु took birth in August
equals to they are 6 students. So we will find probability of August. कैसे, कितने बच्चे हैं? 6. Total students are 40. We will divide by 2. 2 3s are 220s are. This is the final answer. बताएं, clear सभी को? Question third, clear है? आपको पीछे रेफर करना पड़ेगा, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. गोट इट? ओके, वेरी गुड. नाउ फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. ध्यान दो सभी. हमको गिवन है 3 कॉइंस आर टॉस्ड 200 टाइम्स. ध्यान देंगे सभी, हमने 3 कॉइन को टॉस किया हाउ मेनी टाइम्स? टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 कॉइंस आर टॉस्ड. हमें गिवन है 200, जिसमें से हमें गिवन है, अगर मैंने 3 कॉइन एक साथ उछाले तो 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड. हमें गिवन है इनके आउटकम्स कि जो 3 हेड आए वो 23 टाइम्स आए, 2 हेड 72 टाइम्स, 1 हेड 77 टाइम्स, 0 हेड 28 टाइम्स. हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. वेरी इजी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर 2 हेड्स वी गॉट 72, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 200. यू विल डिवाइड एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ठीक है, आप इसको कट करोगे आपको आपका आंसर मिलेगा. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं सर. बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑल आर वेरी इजी. ओके देन, हाँ जी स्टूडेंट्स फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है? एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जिसके हम बात करने वाले हैं 2400. हमें यह गिवन है कि बेसिकली उनका दो चीजों के बारे में बात की गई है. पहली चीज इनकम लेवल कि वो कितना पैसे कमा रहे हैं, दूसरी बात उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स कितने हैं. हमें इस दो चीज के बारे में डीलिंग करनी है. सभी ध्यान देंगे ऑन द टेबल, टर्न योर पेज एंड कम ऑन द टेबल. फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी पूछी गई है अर्निंग बिटवीन 10,000 to 13,000. हमारी जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है जो अर्निंग है वो है 10,000 से 13,000 और व्हीकल्स कितने होने चाहिए? 2 व्हीकल्स. तो आप सभी क्या करो, चुपचाप लाइन पकड़ लो, कौन सी? 10,000 to 13,000, उस पर उंगली लगा लो. फिर आप उंगली को टर्न करो आगे की तरफ एंड मूव टू 2 व्हीकल्स. आई होप यू ऑल गेट 29. मिल रहा है सभी को? बताओ सभी चैट बॉक्स में 10,000 to 13,000 के आगे मूव करेंगे, वी हैव टू गो टू 2 व्हीकल्स, यू विल गेट 29. दैट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 29, टोटल आउटकम्स 2400. दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर है? नाउ फोकस ऑन द सेकेंड पार्ट. क्या गिवन है? इनकम लेवल 6,000 और मोर एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स आर 1 व्हीकल. नाउ प्लीज कैच 16,000 और मोर एंड गो टू 1 व्हीकल. आई होप यू विल गेट 579 बाय 2400. आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी, आर यू गेटिंग द वैल्यूज? सेकेंड क्वेश्चन 579. ओके वेरी गुड. नाउ कम टू पार्ट नंबर 3, वेरी इजी. सभी कैच करेंगे बेटा, फोकस. नाउ थर्ड पार्ट, लेस देन 7,000. हमारा जो इनकम लेवल है वो 7,000 से कम है. इसके बाद डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 0 व्हीकल. सभी ध्यान देंगे, 7,000 से कम, 0 व्हीकल. आई होप यू ऑल आर गेटिंग 10. क्लियर? मिल रहा है सभी को 10?
हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग 10? लेस देन 7000 एंड जीरो व्हीकल। हाँ जी स्टूडेंट्स, गेटिंग? ओके, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। वेरी गुड, फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। क्या गिवन है हमको? इनकम लेवल 13,000 टू 16,000, 13,000 टू 16,000, एंड हमको गिवन है जो व्हीकल्स हैं दे आर मोर देन टू, व्हीकल्स की संख्या दो से ज्यादा। कैच करो सभी, दो से ज्यादा। आई होप यू आर गेटिंग 25/2400। क्लियर सभी को? फर्स्ट फोर क्लियर है? फर्स्ट फोर, वेरी गुड। नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान दो सभी, क्या गिवन है? ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, मतलब एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। या तो एक व्हीकल हो सकता है या जीरो व्हीकल हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जीरो वाली टेबल को और वन वाली टेबल को दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में यू विल गेट 2400। एज यू कैन सी 10, 0, 1, 2, 1 हेयर 160, 305, 535, 469 एंड लास्ट 579। दीज आर जीरो व्हीकल, दीज आर वन व्हीकल। आपको इन सभी को ऐड करना है, ऐड करके जो नंबर आएगा वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में 2400 सोल्व करना है, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी चैट बॉक्स में, ऑल स्टूडेंट क्लियर? वेरी गुड। स्टूडेंट्स फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर आपको बैक साइड में मूव करना पड़ेगा ऑन द पेज नंबर 251। यू हैव टू मूव टू द पेज नंबर 251। जस्ट कम बैक। आपको गिवन है क्या, सभी पढ़ेंगे ध्यान से, रीड द क्वेश्चन। A teacher wanted to analyze the performance of two sections. तो उन्होंने क्या किया, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड लेस देन 20% मार्क्स, मतलब उसके मार्क्स क्या आए हो 20% से कम। डेट मीन्स हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 to 20 की। सभी ध्यान देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द कॉलम यू आर गेटिंग आई होप 7। अगर आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो 0 to 20 के केस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दे आर 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 90। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बताएं सभी चैट बॉक्स में, क्या आपको टेबल मिली, क्या आप सभी को टेबल मिली, टेबल ऑन द पेज नंबर 251। वेरी गुड, फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। हमें मार्क्स बताने हैं 60 या 60 से ज्यादा। सभी चेक करेंगे टेबल, 60 to 70 एंड 70 एंड अबव, हमें दोनों को ऐड करना है, 60 to 70 एंड 70 एंड अबव, आपको उन दोनों को ऐड करना है। डाउन साइड यू विल गेट 90। सभी ध्यान देंगे, 15 + 8/90 यू गेट 23/90। बताएंगे सभी, क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को?
वेरी गुड, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। ध्यान दो सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, टू नो द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द सब्जेक्ट अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वॉज कंडक्टेड। टोटल स्टूडेंट्स जो कि सर्वे में बैठे थे 2200, उन्होंने बोला कि जो लाइक करते हैं दोज स्टूडेंट्स आर 135 एंड दोज हु डिसलाइक दोज स्टूडेंट्स आर 65। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी लाइक, वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक, फेवरेबल स्टूडेंट्स 135, टोटल स्टूडेंट्स 200, यू हैव टू कट। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसलाइक, वेरी इजी, अपसाइड फेवरेबल, डाउनसाइड टोटल, यू हैव टू कट। क्लियर है, इजी, बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, बिल्कुल इजी, बस फोकस करना है पूछा क्या गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर भी आपको रेफर करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना है। क्वेश्चन में बोला गया है रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2, दैट इज ऑन द पेज नंबर 245। सभी ध्यान देंगे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिस्टेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब हमको बात की गई है टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट 2040। हमें बोला गया है किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, जहाँ पे वो काम करते हैं उसका डिस्टेंस उनके रेजिडेंस से हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर। सभी ध्यान देंगे हमसे पूछा क्या गया है, फर्स्ट पार्ट रीड द क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस इज लेस देन 7 किलोमीटर। हमें बताना है हमारा डिस्टेंस क्या है लेस देन 7 किलोमीटर। तो आप सभी बच्चे काउंट करेंगे फ्रॉम द गिवन डाटा, हमारे कितने नंबर हैं जो कि 7 से छोटे हैं। सभी काउंट करो एंड टेल मी, हमारे ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से छोटे हैं। वेरी गुड, काउंट करो, वेरी गुड, काउंट द नंबर्स हु आर दैट आर लेस देन 7, जो कि 7 से कम है, मेक इट फास्ट। यस यू कैन डू, यस यू कैन डू। वेरी गुड नितिन, बट इट इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स कीप ट्राइंग, हमें वो नंबर लेने हैं जो 7 से छोटे हैं। वेरी गुड, कीप काउंटिंग। वेरी गुड स्नेहा, द राइट आंसर इज 9। वेरी गुड, द राइट आंसर इज 9। द टोटल नंबर डेट आर लेस देन 7 आर 9 एंड द टोटल इंजीनियर्स आर 40, सो द आंसर इज 9/40। ऑल गॉट इट, हाँ जी स्टूडेंट्स, ऑल गॉट इट, द नंबर्स विच आर लेस देन 7। वेरी गुड, नाउ फोकस द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, हमें क्या गिवन है, मोर देन और इक्वल्स टू 7। हमें क्या चेक करना है, या तो 7 के इक्वल है या 7 से बड़े हैं। वेरी गुड, काउंट करो, हमें वो नंबर लेने हैं जो या तो 7 के बराबर हैं या 7 से बड़े हैं। वेरी गुड, इट बट ऑब्वियस, अगर बेटा हमारे नंबर 7 से कम 9 है तो बच गए वो 7 के बराबर है या 7 से बड़े हैं, दैट मीन्स आई विल गॉट 31। क्लियर है, 40 में से 9 नंबर ऐसे हैं जो 7 से छोटे हैं, तो जो बच गए वो 7 से बड़े हैं या 7 के बराबर हैं, सो आई गॉट 31। वेरी गुड, नाउ टेल मी द थर्ड वन, थर्ड वन, विद इन
1/2 किलोमीटर। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 से लेके 0.5 के बीच में है? टेल मी, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 0 से लेके 0.5 के बीच में है? वेरी गुड यांशी, देयर इज नो नंबर, दैट मींस द आंसर विल बी 0/40, यू विल गेट योर आंसर इज 0। क्लियर है? दिस इज इम्पॉसिबल आउटकम, इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है? हां जी स्टूडेंट्स, ऑल गॉट इट? नाउ फोकस फ्रॉम द सेम पेज, यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 13। सभी ध्यान देंगे, आपके इसी पेज से क्वेश्चन नंबर 13 भी है, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पूछा गया है, एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देंगे सभी, क्या पूछा गया हमसे? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 30, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमसे पूछे गए हैं, दैट आर 30, जिसके बारे में बहुत बताया गया है, दैट इज व्हाट, ब्लड ग्रुप। हमें बताया गया है ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप कैन बी ए, दैट कैन बी बी, दैट कैन बी ओ एंड दैट कैन बी ए बी। ध्यान देंगे, हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्टेड एट रैंडम हैज द ब्लड ग्रुप ए बी। सभी बच्चे काउंट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड ग्रुप ए बी। चेक करो सभी, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। वेरी गुड, टेल मी कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है? वेरी गुड, वेरी गुड, हाउ मच, कितने बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है बेटा? वेरी वेरी गुड, फास्ट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग 3। आ रहे सभी का? हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग ए बी एज 3 टाइम्स? वेरी गुड, सो द आंसर विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ग्रुप यू विल गेट 3/30, दैट मीन्स 1/n। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, गॉट इट ऑल दिस पॉइंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें रेफर करना है ऑन द सेम पेज 246, एक्सरसाइज नंबर 14.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमको बात की गई है सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के बारे में। हमको गिवन है टोटल नंबर ऑफ डेज, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, 2 डेज आर 30, जो टोटल डेज हैं वो 30 है। हमसे बात की गई है SO2 की कंसंट्रेशन, जो हमें चेक करनी है, दोज शुड बी बिटवीन 0.12 टू 0.16। तो आप सभी बच्चे चेक करो, गिवन क्वेश्चन के अंदर 0.12 से लेके 0.16 तक हमारे कितने डेज में कंसंट्रेशन आ रही है? यू कैन चेक, ओपन द पेज नंबर 246 एंड चेक इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। आई होप यू विल बी गेटिंग 0.12, यू विल बी गेटिंग 0.13 एंड वन मोर यू विल गेट, जस्ट चेक इट आउट। वेरी गुड, जस्ट चेक इट आउट, हाउ मेनी नंबर्स यू आर गेटिंग बिटवीन दिस रेंज? आई हैव गॉट इट, 0.12 एंड 0.13। आर यू गेटिंग एनी अदर वन? क्या आपको कोई और आ रहे हैं इन दो के अलावा? बेटा मेक श्योर आपको 0.16 काउंट नहीं करना है,
0.16 नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होता है. दैट मीन्स यू आर गेटिंग ओनली टू. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल डेज जो हमें सूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन दोज आर टू. सो प्रोबेबिलिटी 0.12 टू 0.16 दैट विल बी 2/30 दैट मीन्स 1/15. क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स क्लियर. इन द सेम वे यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस. ओके गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स सो थैंक यू वेरी मच. वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो. वी विल स्टडी टुमारो मीन मोड मीडियन फ्रॉम सितंबर 14. ओके टिल देन टेक केयर बाय. स्टे होम स्टे सेफ. ठीक है बाय टेक केयर. ओके बेटा बाय बेटा. होप टू सी यू सून इन द स्कूल वेरी सून. ओके बाय.